अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हमने शो करना है. शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल. दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट हेयर बिकॉज हेयर द रूट्स आर नॉट इक्वल गिवन, पर नेचर क्या गिवन है कि वो रैशनल हैं. अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो हो, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा अगर रूट्स इक्वल हैं, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा अगर अनइक्वल रियल रूट्स हैं. क्योंकि रैशनल नंबर होने का मतलब है कि रूट्स आर रियल. रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स. इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं बल्कि एक पॉजिटिव नंबर आनी चाहिए. प्लस इसमें एक और चीज़ भी हमने देखी थी कि अगर वो पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट और एक कंप्लीट स्क्वेयर भी है, पॉजिटिव है और एक कंप्लीट स्क्वेयर वैल्यू है, तो रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे, रियल रैशनल रूट्स होंगे. और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है लेकिन कंप्लीट स्क्वेयर नहीं है, नॉट अ कंप्लीट स्क्वेयर, तो फिर रूट्स रैशनल नहीं होंगे बल्कि इरैशनल होंगे. तो हमने साबित करना है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल. इसका मतलब है हमने साबित करना है कि एक तो कि जो डिस्क्रिमिनेंट हम कैलकुलेट करें वो पॉजिटिव नंबर आए, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर क्वांटिटी. और जो डिस्क्रिमिनेंट आए वो एक परफेक्ट स्क्वेयर क्वांटिटी भी होना चाहिए. अगर ये दो सूरतें हमने साबित कर दी तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रैशनल. याद रखिएगा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो नहीं करना बिकॉज रूट्स आर नॉट इक्वल. चलें सॉल्व करते हैं. इक्वेशन गिवन है, इट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो से. ए की वैल्यू है ए प्लस टू बी, बी की वैल्यू है टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और सी की वैल्यू है ए प्लस टू सी. ये मैंने लिख दिया अलहदा. डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी. इसको ज़ीरो के बराबर नहीं करना बिकॉज रूट्स आर नॉट इक्वल. इट्स नॉट गिवन के रूट्स आर इक्वल, याद रखें. अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. हमने बी की वैल्यू डाल दी, हमने ए की वैल्यू डाल दी, हमने सी की वैल्यू डाल दी, हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर का फार्मूला लगाया जो हमने 9th क्लास में सीखा था. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस टू बी सी, यानी टू टाइम्स ए बी इंटू टू टाइम्स बी सी इंटू टू टाइम्स ए सी. ये टर्म्स आएंगी तो 6 टर्म्स आएंगी. फिर आप यहाँ से 4, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, और ये तमाम एक्सप्रेशंस के साइन इस माइनस साइन की वजह से चेंज हो गए. इक्वल टू ज़ीरो नहीं लगाना. अगेन रिपीटिंग, 4 कॉमन ले लिया है आपने, ये तमाम एक्सप्रेशंस को आपने खोल के लिख लिया. यहाँ प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी से कैंसिल हो गया, प्लस टू ए सी माइनस टू ए सी से कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विथ बी स्क्वेयर. 4 बार कॉमन था, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू बी सी माइनस फोर बी सी, प्लस टू बी सी माइनस फोर बी सी लाइक टर्म्स हैं, 4 में से 2 गए साइन बड़े नंबर का, टू बी सी. यू आर लेफ्ट विथ टू बी सी माइनस टू बी सी. 4 इंटू ये क्वांटिटी है स्क्वेयर किसका, बी माइनस सी का होल स्क्वेयर. अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या निकलेगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू बी सी. अगर हम इसको होल स्क्वेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 4 भी अंदर चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वेयर. ठीक है, ये होल स्क्वेयर फॉर्म आ गई देखें, और इसके साथ कोई भी माइनस क्वांटिटी बाहर नहीं है, और ये होल पूरी होल स्क्वेयर फॉर्म है. स्क्वेयर क्वांटिटी वैसे भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. स्क्वेयर क्वांटिटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड वी डोंट हैव एनी नेगेटिव साइन आउटसाइड. सो ये क्वांटिटी हमने प्रूफ कर दिया कि एक पॉजिटिव और स्क्वेयर क्वांटिटी है. सो पॉजिटिव एंड स्क्वेयर क्वांटिटी, हैंस द रूट्स आर रैशनल. रैशनल के लिए आपको साबित करना था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी निकले और परफेक्ट स्क्वेयर भी हो, जो आपने यहाँ पे साबित कर दिया है. इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है.